हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन तक कल क्लियर कर लिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन से, 2009 के 32 नंबर क्वेश्चन से। तो 32 नंबर हमारा प्रश्न कहता है, शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो शिवसेना जो है वो क्या है? तो शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है शिवसेना। तो शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? ऑप्शन ए में दिया है महाराष्ट्र में, बी में दिया है गुजरात, और सी में दिया है पंजाब, और डी में दिया है हरियाणा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को लिख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन का। ए में दिया हुआ है महाराष्ट्र, ए में क्या है? महाराष्ट्र। बी में दिया हुआ है गुजरात, बी में है गुजरात। सी में क्या है? पंजाब। और डी में है हरियाणा, डी में हरियाणा है। तो देखिए महाराष्ट्र में जो क्षेत्रीय पार्टी है उसका नाम है अभी शिवसेना। शिवसेना किस प्रांत में है? महाराष्ट्र में। शिवसेना महाराष्ट्र में हो गया। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल। उसके बाद हरियाणा, तो हरियाणा में क्या है? जननायक पार्टी, जननायक पार्टी। तब से क्वेश्चन पूछेगा शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो शिवसेना महाराष्ट्र में। शिवसेना कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद है जननायक पार्टी, तो जननायक पार्टी कहाँ है? हरियाणा में। जननायक पार्टी हरियाणा में। शिरोमणि अकाली दल, तो शिरोमणि अकाली दल कहाँ है? पंजाब में। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में है, और हरियाणा में है कौन? जननायक पार्टी। शिवसेना कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब देखिए जो पंजाब में एक और पार्टी है जिसका नाम अभी क्या है? आम आदमी पार्टी, उसी की सरकार है। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी सक्रिय है अभी। तो देखिए आम आदमी पार्टी के जो तरफ से अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? भगवत मान सिंह। तो हम इन चारों राज्य के मुख्यमंत्री का नाम जान लेते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, एकनाथ शिंदे। ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी, एकनाथ शिंदे यही है अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। उसके बाद गुजरात के, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है अभी? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री है, भूपेंद्र भाई पटेल अभी गुजरात के मुख्यमंत्री। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। उसके बाद पंजाब, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान सिंह, भगवत मान सिंह। भगवत मान सिंह का संबंध किस पार्टी से है? तो याद रखिएगा आम आदमी पार्टी से। भगवत मान सिंह का संबंध किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से। उसके बाद है हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो हरियाणा के भी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, यही है इनका नाम, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम है। तो क्या कह रहा है? महाराष्ट्र में कौन पार्टी है? शिवसेना। महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। उसके बाद है गुजरात, तो गुजरात के अभी मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। पंजाब, तो पंजाब में कौन पार्टी है? शिरोमणि अकाली दल। कौन है? शिरोमणि अकाली दल। और वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान सिंह। कौन है? भगवत मान सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री है। हरियाणा, हरियाणा, भगवत मान सिंह का संबंध किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से। हरियाणा, तो हरियाणा में कौन सा पार्टी है? जननायक पार्टी। कौन? जननायक पार्टी। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के भी मुख्यमंत्री है। तो यही कहता है 32 नंबर प्रश्न, शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो ये महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 32 का क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो 33 नंबर प्रश्न का हम लोग ऑप्शन लिखते हैं, कहता है शीत युद्ध का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया है 1991, ए में क्या है? 1991। बी में दिया हुआ है 1891। सी में दिया है, सी में दिया हुआ है क्या कहते हैं? 2001। और डी में दिया है, डी में क्या है? 2002। तो देखिए ये जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना, तो विश्व महाशक्ति के रूप में दो देश उभरा, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। अमेरिका को हम लोग यूएसए कहते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और सोवियत संघ को यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यही है सोवियत समाजवादी गणराज्य का संघ, ये सोवियत संघ हुआ। तो ये दोनों देश विश्व महाशक्ति के रूप में उभरा जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो ये दोनों देश आगे बढ़ने के लिए दोनों दो विचारधारा का समर्थन किया, अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहा, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहा।
तो इस दोनों की विचारधारा का टकराव जो हुआ वही शीत युद्ध होने लगा था। कहेगा शीत युद्ध किसके बीच हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। कब से कब तक? तो ये याद रखिएगा, शीत युद्ध का समय कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शीत युद्ध का समय कब से कब तक है, तो 1946 से 1991 तक। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, उसके बाद शीत युद्ध प्रारंभ हो गया 1946 में। तो 1946 से 1991 तक शीत युद्ध चला था, किसके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पूर्व बनाम तथा पश्चिम पदबंध का संबंध किससे है? तो शीत युद्ध से। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का संबंध किससे है? शीत युद्ध से। और शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ को 15 खंडों में तोड़ दिया गया। इसी के बाद शीत युद्ध का अंत हो गया। तो शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1991 में। यानी शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1991 में। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध का अंत। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है शीत युद्ध का अंत किस घटना के बाद हुआ? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध का अंत हो गया। अमेरिका के कूटनीति के प्रयोग से सोवियत संघ को 15 खंडों में तोड़ दिया गया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कहता है 33 नंबर, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो यानी 1991 में। 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोलकनाथ मुकदमा कब आया था? गोलकनाथ एक केस है, पंजाब राज्य से संबंधित है। इस केस का फैसला कब आया था? तो हम लोग ऑप्शन के लिखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, ए में दिया है 1965, ए में क्या है 1965, बी में क्या है 1967, सी में क्या है 1970 और डी में है 1960। तो देखिए गोलकनाथ मुकदमा कब आया था, तीन गो केस को याद रखेगा। ये तीन गो केस पूछा जाता है आपके एग्जाम में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला, उसके बाद गोलकनाथ मुकदमा और बेला बनर्जी केस, ये तीनों पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेला बनर्जी केस। तो बेला बनर्जी केस के बारे में भी जान लीजिए। बेला बनर्जी केस 1955 में आया था। बेला बनर्जी केस कब आया था? 1955 में। उसमें यह कहा गया था कि बेला बनर्जी केस में क्या कहा गया था कि संपत्ति के मुआवजे अतिरिक्त उस समय के बाजार भाव के उपयुक्त होना चाहिए। संपत्ति का मुआवजा उस समय के बाजार भाव के उपयुक्त होना चाहिए, यह किस केस के फैसला में कहा गया था? तो बेला बनर्जी केस 1955 में। ठीक है, तो बेला बनर्जी केस कब आया? 1955 में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आया गोलकनाथ बनाम केस, पंजाब राज्य का फैसला। गोलकनाथ बनाम केस किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से। इसका जो फैसला आया था 1967 में, कब आया? 1967 में। तो गोलकनाथ बनाम केस में यह कहा गया था कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती करे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस केस में यह कहा गया कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती करे? तो गोलकनाथ मुकदमा में। गोलकनाथ मुकदमा कब आया? 1967 में। तो ये याद रखेगा। और उसके बाद तीसरा जो आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला आया था 1973 में। और केशवानंद भारती बनाम में क्या कहा गया? तो कहा सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें संविधान के आमूल ढांचे को सूत्र निर्धारित किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के आमूल ढांचे को सूत्र निर्धारित किया? तो केशवानंद भारती बनाम केस 1973। ठीक है, और ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला है, ये 7-6 से फैसला आया था। इसमें सबसे बड़ी न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी। अभी तक सबसे बड़ी न्यायाधीशों की बेंच किस केस को फैसला सुनाने में बैठा था? तो केशवानंद भारती बनाम केस में। तो ये समझ लीजिएगा, क्वेश्चन कहता है 34 नंबर की गोलकनाथ मुकदमा कब आया? तो 1967 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1967 में ही गोलकनाथ मुकदमा का फैसला आया था। और गोलकनाथ बनाम केस में क्या कहा गया कि संविधान में संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं करेगा जो हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती करे। तो इसको याद रखेगा। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और 35 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए में दिया है 2004, बी में है 2005, बी में क्या दिया हुआ है 2005, और सी में दिया हुआ है 2006 और डी में है 2007। तो देखिए सूचना का अधिकार, यानी सबसे पहले ये समझिए कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, अभी सूचना का अधिकार अधिनियम की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले सूचना का अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना,
वो हुई थी 1990 में। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1990 में। कहां से हुई थी? तो राजस्थान के भीम तहसील से। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान के भीम तहसील से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? 2005 में। और उसके बाद पूछेगा सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे देश में कब लागू किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू कर दिया गया, यानी सक्रिय कर दिया गया 12 अक्टूबर 2005 को। तो याद रखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005 को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। और सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने के लिए निवेदन शुल्क या क्या कहते हैं, निवेदन शुल्क कितना रखा गया था? तो 10 रुपया रखा गया था। कितना? 10 रुपया। सूचना के अधिकार आंदोलन के अंतर्गत सूचना मांगने के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया था? 10 रुपया। याद रखेगा 10 रुपया रखा गया था। तो 35 का क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर टिका है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर टिका है? ऑप्शन ए में दिया है उदारवाद। 36 नंबर क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन लिखते हैं। ए में क्या है? उदारवाद। ए में दिया है उदारवाद। उसके बाद बी में दिया है साम्यवाद। बी में है साम्यवाद। सी में दिया हुआ है गांधीवाद। सी में क्या है? गांधीवाद। और डी में क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद। तो कह रहा है हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर टिकी हुई है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था जो टिकी हुई है ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद पर। तो लोकतांत्रिक समाजवाद ऑप्शन नंबर डी में है। तो यानी 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारी नियोजन व्यवस्था किस पर टिकी है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद पर। और याद रखिएगा ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनाए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता किन्हें कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। ठीक है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 37 नंबर क्वेश्चन कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए में दिया है जयप्रकाश नारायण। क्या नंबर क्वेश्चन है? 37। ए में दिया है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। उसके बाद तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है इंदिरा गांधी। क्या? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये नारा दिए थे। सी में दिया है जगजीवन राम। जगजीवन राम। जगजीवन राम। उसके बाद डी में जो दिया हुआ है राज नारायण। क्या है? राज नारायण। तो देखिए क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। क्या कहता है 37 नंबर प्रश्न? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यही जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है, बाउल के नाम से भी जाना जाता है, और लोकनायक कहा जाता है। लोकनायक किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ। तो आपसे पूछा जाता है 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहली महिला प्रधानमंत्री एवं याद रखिएगा हमारे देश के पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी।
उसके बाद जगजीवन राम, तो जगजीवन राम को क्या कहा जाता है, जगजीवन राम को कहा जाता है बाबूजी, याद रखिएगा, जगजीवन राम को क्या कहा जाता है बाबूजी, किनको कहा जाता है जगजीवन राम को। और जगजीवन राम से याद रखिएगा, सबसे अधिक समय तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किनके पास है, तो जगजीवन राम के पास है। सबसे अधिक समय तक यानी सबसे ज्यादा दिन केंद्र में मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जगजीवन राम के पास है। किनके पास, जगजीवन राम के पास है। और जगजीवन राम को क्या कहा जाता है, बाबूजी कहा जाता है। तो याद रखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण 37 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है, ऑप्शन ए में दिया है समाजवाद, बी में साम्यवाद और सी में दिया है अराजकतावाद और डी में उदारवाद। तो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है, ऑप्शन ए में दिया है समाजवाद, ए में क्या है समाजवाद, समाजवाद। उसके बाद बी में दिया है साम्यवाद, साम्यवाद और सी में दिया है अराजकतावाद, अराजकतावाद और डी में है उदारवाद, डी में क्या है उदारवाद। तो देखिए भूमंडलीकरण, तो भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है, तो भूमंडलीकरण उदारवाद पर टिका है, किस पर, उदारवाद पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है, विश्व के अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है, या विश्वव्यापीकरण कहलाता है, या वैश्वीकरण कहलाता है। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में कब हुई थी, 1991 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी, 1991 ईस्वी में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है, तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपनी अर्थव्यवस्थाओं का जोड़ना, अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना है, वही भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक है, तो भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है, तो उदारवाद पर, किस पर, उदारवाद पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए बी में दिया है साम्यवादी, तो साम्यवादी, तो याद रखिएगा वर्तमान समय में जो साम्यवादी व्यवस्था वाले देश है, यानी कौन कौन से देश में अभी साम्यवादी व्यवस्था स्थापित है, तो सबसे पहले साम्यवादी व्यवस्था वाले देश में हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा चीन, कहाँ, चीन में साम्यवादी शासन स्थापित है। उसके बाद आएगा क्यूबा, उसके बाद उत्तर कोरिया, चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, इन तीनों देश में साम्यवादी शासन स्थापित है। तो कह देगा इनमें से कौन देश में साम्यवादी शासन स्थापित है, ऑप्शन दे देगा, चीन दे देगा, भारत दे देगा, पाकिस्तान दे देगा, नेपाल दे देगा, तो क्या हो जाएगा चीन। और कहेगा, या कहेगा इनमें से कौन देश में साम्यवादी शासन स्थापित नहीं है, तो कहेगा चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, भारत, तो क्या हो जाएगा भारत, भारत में साम्यवादी शासन स्थापित नहीं है। ठीक है, तो साम्यवादी व्यवस्था वाले देश समझ गए, चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया। तो 38 का क्या हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, 39 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है ए में दिया है 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। बी में दिया हुआ है 25 जनवरी 1898। सी में दिया है 30 जनवरी 1897। और डी में दिया है, डी में दिया हुआ है 25 जनवरी 1897। तो देखिए तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, तो 23 जनवरी 1897 को। और सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, नेताजी, नेताजी किनको कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहने वाला व्यक्ति कौन था, तो हिटलर, कौन, हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था सबसे पहले। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम किसने कहा, तो हिटलर, एडोल्फ हिटलर। हिटलर कहाँ था, कहा था जर्मनी का तानाशाह था, ये तानाशाह था हिटलर। और हिटलर का एक और नाम है फ्यूरर, हिटलर को क्या कहा जाता है, फ्यूरर। और हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर है, याद रखिएगा। तो 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1945, बी में दिया हुआ है 1947,
उसके बाद सी में दिया है 1950 और डी में है 1952। तो देखिए 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी, यूएनओ की स्थापना, यूएनओ की स्थापना 1945 में। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, भारत का स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। 1950 में क्या हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ। उसके बाद 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ, प्रथम आम चुनाव हुआ, प्रथम आम चुनाव हुआ। तो देखिए कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, कहाँ, न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। और इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। उसके बाद देखिए 1947, तो 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश साम्राज्य से। उसके बाद 1950, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 1952, तो 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ, कहेगा भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, 1952 में। और प्रथम आम चुनाव के बाद ही, प्रथम आम चुनाव के द्वारा ही भारत में लोकसभा राज्यसभा का गठन हुआ, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का गठन प्रथम आम चुनाव के द्वारा ही हुआ था। तो प्रथम आम चुनाव कब हुआ, 1952 में। तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, सही हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो 40 नंबर तक हम लोग क्लियर कर लिए, तो 2009 का पूरा हम लोग खत्म कर दिए, अब हम लोग पढ़ेंगे 2010।